सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली की एक खास डिश, जो कि अक्सर ही सर्दियों में पुरानी दिल्ली के लोग बहुत शौक से बनाते भी हैं और खाते भी हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं गाजर गोश्त। तो ये जो गाजर गोश्त है, ये हम शोरबे वाला नहीं बनाने वाले हैं, या गाजर थोड़ी खड़ी नहीं रखेंगे, बल्कि जो एकदम घुटा हुआ मैशी जो सालन होता है वो बनाने वाले हैं। तो सर्दियों की गाजरों में ये गाजर गोश्त बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें इसको बकरे के गोश्त में बनाएं या आप चाहें तो बड़े में बनाएं, दोनों में ही बहुत ही जायकेदार लगता है। तो आइए हम गाजर गोश्त बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1 किलो मैंने मटन लिया है, बकरे का गोश्त, और इसको मैंने अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था, इसका पानी निचड़ चुका है। 1 ही किलो मैंने गाजर ली है, और गाजर की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाजरों को मैंने छील कर धोकर और बारीक काट लिया है, और इसके अंदर मैं आलू भी डालने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो आलू डालें, आप चाहें तो कम स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 2 आलू डाल रही हूँ, उन्हें भी छील के मैंने काट लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया लिया है मैंने, और उसके अलावा 4 मीडियम साइज की प्याज लेके इसको मैंने बारीक काट लिया है। और गाजरों के साथ टमाटर ज़्यादा जाते हैं, खट्टे वाले टमाटर लीजिएगा, देसी टमाटर। तो ये मैंने 6 बड़े साइज के टमाटर लेके इनको भी बारीक काट लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें लेके मैंने इनको भी बारीक काट लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने ली है कसूरी मेथी। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कसूरी मेथी ली है, और ये ली है मैंने 2 टेबलस्पून। उसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और दो टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। तो क्योंकि ये मैं घुटा हुआ सालन बनाने वाली हूँ, तो मैं इसके लिए सबसे पहले गाजरों को गलाऊंगी। अगर आप बड़े में बना रहे हैं तो गाजरों को पहले से नहीं गलाइएगा, लेकिन बकरे का गोश्त जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैं इसको पहले गाजरों को गलाऊंगी। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, और इसके अंदर डाल दिया है 1 कप ऑयल, और इसके अंदर हम सभी चीजें डालते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो सबसे पहले डाल दी है मैंने प्याज, और इसका मसाला अलग से नहीं भूनने वाली हूँ मैं, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है। हरी मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। साथ ही में मैं डाल देती हूँ इसमें गाजरें, सभी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब हम लगा देते हैं प्रेशर कुकर का ढक्कन, और गाजरों को हम अच्छे से गला लेंगे। तो पहले मैं मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लूंगी, फिर 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी। आप चाहें तो 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पर लेकर इनको वैसे भी गला सकते हैं। और इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, क्योंकि गाजरें भी पानी छोड़ेंगी और प्याज टमाटर भी। तो गाजर देखिए हमारी कितनी अच्छी गल गई है, और इसको मैं थोड़ा सा स्पून से भी मैश कर लेती हूँ, अगर कुछ खरी खरी गाजरें नजर आए तो। तो बस वैसे तो ये अच्छी सी गली हुई है, और मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था, उसके बावजूद भी इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो बस अब मैंने इसको देख लिया है, ये गल गई है, तो अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर मटर। तो इसको भी हम थोड़ी देर भून लेते हैं। फ्लेम मेरी मीडियम है, तो
गोश्त मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, और शायद मैं आप लोगों को नमक दिखाना भूल गई थी, तो 1.5 टीस्पून मैंने नमक भी लिया है, और जो कि मैंने डाल दिया था, और आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल दीजिएगा। और देख लीजिए गोश्त इतना अच्छा भुन गया है, सब्जी इतनी अच्छी भुन गई है कि इसमें से ऑयल भी अलग होने लगा है। तो बस अब इसको हमें गोश्त को गलाना है, तो इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप, क्योंकि अब इसमें पानी नहीं बचा है। और लगा देती हूँ प्रेशर कुकर का ढक्कन, और मीडियम फ्लेम पर पहले मैं एक सीटी ले देती हूँ, फिर लो फ्लेम पर मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने दूंगी, जब तक कि गोश्त हमारा 80% गल नहीं जाता, क्योंकि अभी हमें आलू भी डालने हैं, आलू हम इसके बाद गलाएंगे। तो गोश्त हमारा गल गया है, और गैस को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर आलू, आलू डाल के हम थोड़ा सा इनको भून लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे। अब लगा देते हैं हम प्रेशर कुकर का ढक्कन, और मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 सीटी ले लेंगे। अब हमें सिर्फ आलू गलाने हैं, जो कि 1 या 2 सीटी में गल जाएंगे। तो बस सालन हमारा हो गया है रेडी, और ये अच्छा सा भुन गया है, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अगर आपके सालन में पानी हो तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल ठीक है। तो बस मैं इसमें डाल देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए तैयार है हमारा पुरानी दिल्ली स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त गाजर गोश्त। तो इसको आप चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, ये सभी चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।